और पूरे देश में जो माहौल है, देश की जनता खासतौर की बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि 10 साल में बिहार के लिए क्या किया गया। प्रचंड बहुमत बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीटें भाजपा को देने का काम किया गया और प्रधानमंत्री जी ने कई एक वादे बिहार के लिए किया। हम तो उनका टेप रिकॉर्डर भी लेकर साथ में चलते हैं, जो जो वादे उन्होंने किए थे उसमें सबसे पहला किया गया था बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, बंद चीनी मिल को जो है वो चालू कराएंगे, कई एक वादे जो है उन्होंने कहा देश भर में कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, किसानों का आय दुगुना करेंगे, सब पक्का मकान बना देंगे, काला धन लेके आएंगे। एक भी वादा जो है प्रधानमंत्री जी का पूरा नहीं हुआ। 10 साल प्रधानमंत्री रहे और 14 में भी लगभग 31 सांसद दिया बिहार के लोगों ने, 19 में 39 सांसद दिया, लेकिन आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी बिहार भी आए, 8-9 बार आ चुके प्रधानमंत्री जी, रात्रि विश्राम भी किया, रोड शो भी किया, जो प्रचार में जो कर सकते थे सब कुछ किया, कई बार भाषण उन्होंने दिया हम लोगों ने सुना, लेकिन भाषण में 10 साल का हिसाब कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया ये कहीं नहीं था। और हम लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि अगले 5 साल अगर जीतते हैं तो बिहार की जनता जानना चाहती कि अगले 5 साल में क्या करेंगे, लेकिन कोई मुद्दे की बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, नौकरी, रोजगार, पलायन, बिहार में निवेश, किसानों का मुद्दा, ये जो है असल मुद्दे हैं। और मेरा जहां तक मानना है कि इस बार लोकल मुद्दे जो है ज्यादा हावी है। आज जनता जो है अपने चुने हुए सांसदों से पूछ रही है कि आपने मेरे लिए क्या किया।